हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं BPSC बिहार SSC बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसके बारे में हम लोग नोट के माध्यम से देखते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रशासिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट फैक्ट है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। नेक्स्ट फैक्ट है, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे और G.V. जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षित नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। नेक्स्ट फैक्ट है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन और भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण आयोग ठहराया गया, किंतु न्यायालय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राज नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्सन की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इसकी व्याख्या है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, तो थी पूना सार्वजनिक सभा। इसकी व्याख्या है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका की प्रस्तुत की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी व्याख्या है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना था? तो एस एम बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी। इसकी व्याख्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मैनेजर मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यही पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशन कांग्रेस में विलय हो गया था? तो इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस। इसकी व्याख्या है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में 1885 ईस्वी में बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। इसका सभापति WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। करीब करीब उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशन से पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार के कार्यक्रम अपनाया। स्पष्ट अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे। यह राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि एवं जबरदस्त सबूत है। 1886 ईस्वी में बिना किसी कठिनाई के भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुपचाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध में करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मोहन राय। इसकी व्याख्या है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर कमरवाद सजाइए। तो पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, चौथा है इंडियन लीग। तो इसका होगा पहला बॉम्बे एसोसिएशन, चौथा हो जाएगा इंडियन लीग, फिर तीसरा हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, दूसरा हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1884 में की गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। इसकी व्याख्या देखें, 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता बरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कुट से पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन बम्बई और हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्योंकि विकल्प में जो दिया है वो आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा
सभी संस्थान कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी। लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 ईस्वी में द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 ईस्वी में दी इंडियन एसोसिएशन, 1876 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अतः इसका उत्तर कोई सही नहीं है। हालांकि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ठीक पूर्व काल में लैंड होल्ड सोसाइटी का अस्तित्व में नहीं थी। इस संस्था को 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में समाहित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा लैंड होल्ड सोसाइटी, तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चौथा इंडियन लिंक। इन संस्थाओं को स्थापना वर्ष किस कालक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्ड सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लिंक 1875। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। लैंड होल्ड सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन HN बनर्जी हैं। नेक्स्ट में भी सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इंडिया लीग होगा शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन तो ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्ड सोसाइटी की ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी, तो विलियम जॉन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो इसका हो जाएगा केटी तैलंग, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन तो इसका आंसर होगा सैयद अमीर अली, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1891 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधा कांत देव, अध्यक्ष हरिचंद मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब, केटी तलंग आदि सैयद आमिर अली ने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक है। थैंक यू।